नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं मेवात आज तक पर देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों का बुलेटिन। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर मालदीव्स भाग गए हैं। राजपक्षे के देश छोड़ने से श्रीलंकाइयों का गुस्सा भड़क गया है। राजधानी कोलंबो की सड़कों पर प्रदर्शनकारी जमकर उत्पात कर रहे हैं। लोगों के उग्र विरोध को देखते हुए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। हजारों की तादाद में लोग संसद भवन और पीएम हाउस की तरफ मार्च कर रहे हैं। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प हुई है। दो गुट भी आपस में भिड़ गए, जिससे 12 लोग घायल हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल टीवी रूपवाहिनी के स्टूडियो पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद यह चैनल ऑफ एयर हो गया है। सुशांत सिंह की डेथ केस में बुधवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने चार्जशीट दाखिल की है। एनसीबी ने कहा कि रिया ने ही सुशांत को ड्रग्स दिए थे। चार्जशीट में रिया के भाई शोविक समेत 35 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस केस की स्पेशल कोर्ट में 27 जुलाई को सुनवाई होनी है। अगर रिया दोषी पाई जाती है तो उन्हें 10 साल की जेल की सजा सुनाई जा सकती है। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी उनके मुंबई स्थित घर में मिली थी। सुशांत की फैमिली ने रिया और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे। रिया और सुशांत रिलेशन में थे और लिव इन में रहते थे। सुशांत की मौत से एक हफ्ते पहले ही रिया उनका घर छोड़कर चली गई थी। आरोपों के बाद रिया चक्रवर्ती, उनके भाई समेत कई लोग जांच के दायरे में आए थे। इस मामले में ड्रग्स एंगल आने के बाद एनसीबी ने जांच शुरू की थी। एएसआई मुश्ताक अहमद को मंगलवार को श्रीनगर में आतंकवादियों ने मार डाला है। मुश्ताक लाल बाजार चौक में ड्यूटी पर थे, तभी आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। घायल मुश्ताक को हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मौत हो गई। हमले में दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक इस हमले में 3 आतंकवादी शामिल थे। पहले द रेसिस्टेंस फ्रंट TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली थी, अब इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ISIS ने कांस्टेबल मुश्ताक अहमद की हत्या की जिम्मेदारी ली है। हालांकि IGP कश्मीर विजय कुमार ने इस पर ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी है। केवल इतना कहा है कि शायद यह सच है। इसके अलावा एक और आतंकवादी ब्रांच AMAQ ने हमले का एक वीडियो जारी किया, जो आतंकवादियों द्वारा पहने गए बॉडी कैमरों का उपयोग करके शूट किया गया प्रतीत होता है। यह उन दुर्लभ उदाहरणों में से एक था जब आतंकवादियों ने हमले का वीडियो जारी किया था। मैक्सिको के एक स्कूल में 14 साल के छात्र को उसके दो साथियों ने क्लासरूम में जिंदा जला दिया। दोनों छात्रों ने केवल इसलिए उस छात्र को जला दिया क्योंकि वह अपनी मातृभाषा में उनसे बात कर रहा था। अधिकारियों के मुताबिक घटना जून की है और बुरी तरह झुलसा छात्र जुआन जोमोरानो अब अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुका है। जामोरानो का परिवार ने बताया है कि वह जब अपनी क्लासरूम में अपनी सीट पर बैठा तो उसकी पैंट भीग चुकी थी। दरअसल जो दो छात्रों ने उसकी सीट पर शराब डाल दी थी। जैसे ही जामोरानो अपनी सीट से उठा, दोनों छात्रों ने उसे जला दिया। इसी तरह के तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल मेवात आज तक के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।